तो भाई राम राम सर, मैं जो वाइस वीडियो को देखेंगे, और मैं तो भाई अपने हरियाणा वाले भाइयों ने कह सकूँ ये बात, क्योंकि ना तो हिंदी बोलनी आती, मैं बिल्कुल देसी आदमी हूँ। हाँ, तो अभी है रही भाई भी, जिस तरह आप लोकल आदमी है, इसी तरह लोकल एक डाउन टू अर्थ आदमी, बिल्कुल। बिल्कुल जमीन से उठा हुआ। हाँ, तो ये पूरा यहाँ पे सारे सामान आ गए, ये नीचे सारे अपने बर्तन वगैरह, इधर की तरफ ब्लैंकेट, इसमें एलईडी रख दी है, और यहाँ पे ये बाकी इधर की तरफ छोटे मोटे सामान है, ऊपर कुछ पग है, पग रख दिए, और ये पूछा मतलब नीचे जो जो सामान थे सारे यहाँ पे फिट हो गए, तो अगर खोलना पड़ गया कहीं तो बहुत दिक्कत होगी। एक ये भी था जो मैंने ऊपर से नीचे कर दिया था, इसको भी मुझे नीचे रखना है, तो इस तरह से फिट कर दिया और आराम से बंद हो रहा है गेट, तो इसको कर देते हैं बंद। ये हो गई बंद, बिल्कुल फिट हो गई एकदम। और इस तरह से साइड यहाँ पे अपने लैपटॉप बैग आ गया, ये आ गया, पूरे ब्लैंकेट वगैरह यहाँ रख के सरदार जी ऊपर आराम से लेटेंगे। इसके आगे भी यहाँ पे ही बैग रखे हैं, और सेम उस साइड से भी ऐसे ही रखे हुए हैं बैग, ये इस साइड से। यहाँ पे भी नीचे सामान है, और शूज़ वूज सब यहीं पे हैं, तो ये अपना इस तरह से फिट हुआ है सारा सामान। ये अपना डंडा जो रास्ते में कई बार काम आ जाता है, तो ये इधर रखा है, ये हो गया है फिट। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और झटके बहुत हैं। हाँ, तो अभी सिस्टर के घर से निकल रहे हैं और अब सीधा बीकानेर, और आज है 9th जैन। हाँ। तो ये आज हमारी जर्नी का पहला दिन है। अभी तक तो हम गांव में ही घूम रहे थे रिलेटिव्स के यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा। और ट्रिप मतलब मैंने जीरो कर ली है, तो जाके लास्ट में बताएंगे। ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर के आसपास है जो मैंने यहाँ से देखा था, और थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी फॉग है, और टाइम हो रहा है 8:42, तो थोड़ा सा लेट भी हो गए हम। हमारा प्लान था कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन नहीं, फिर मुझे एक वीडियो भी एडिट करके डालनी थी, और थोड़ा सा मुझे लगा कि चलो सारी चीज़ें करके आराम से निकलते हैं, नाश्ता भी कर ही लिया फिर यहीं पर। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे, और गाड़ी पूरी अच्छे से पैक कर ली है मैंने, स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दी किस तरह से पैक करी है गाड़ी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, और 4000 किलोमीटर की होने वाली है, तो दिन तो काफ़ी लगेंगे इसमें। हाँ। और मज़ा भी पूरा आएगा आपको, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ते हुए जाएंगे चीज़ें, चाहे दिन 2-3 एक्स्ट्रा लग जाए तो उसकी हमें टेंशन नहीं है इस बार। और बट हर चीज जो है अच्छे से दिखाते जाएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इस बार टाइम की बाउंडेशन नहीं है। हाँ, और रही सरदार जी की पढ़ाई की बात, तो उनकी पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है, और बाकी उनकी मतलब अभी जाके जहाँ भी सेटल होंगे तो वहाँ पे जाके स्कूल भी देख रहे हैं हमें। तो बाकी देखो, इस साल का यही फायदा है कि इस साल जो एजुकेशन का था वो पढ़ाई ऑनलाइन थी हर किसी की, बच्चों की। अभी तक स्कूल तो खुले नहीं है, तो ऑनलाइन उसकी चलती रहती है, वो इफेक्ट नहीं हो रही है। जैसे और ऐसा नहीं भी हाँ। और ऐसा नहीं है कि ट्रैवल में पढ़ाई नहीं हो पाती है, जब हम रुकते हैं जाके तब वो अपना सारा वर्क कर लेता है जो जो उसको मिलता है। हाँ। और मेन चीज है वर्क होना चाहिए, क्लास में भी तो यही करते हैं बैठ के, क्लास वो ऑनलाइन लेता रहता है हेडफोन लगा के, वो अपने आराम से वहाँ पे सुनता रहता है क्या चल रहा है क्लास पे और क्या नहीं चल रहा। बट ये सारा कुछ मतलब आगे रहेगा कंटिन्यू, अभी जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही है तो फायदा है हमें। हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और लंबी हो तो वीडियो पूरी देखना, हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, क्योंकि देखते हैं कहाँ तक अभी पहुँचेंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं ये गजोला, और गजोला का जो है फ्लाईओवर हम क्रॉस कर दिया कर रहे हैं, ये है रेलवे का। यहाँ पर गजोला जंक्शन है, यहाँ से एक धनोरा साइड लाइन जाती है, एक मुरादाबाद साइड, एक दिल्ली साइड। और तो अब यहाँ से सीधे हाईवे पे चढ़ जाएंगे NH24 पे, और जो हम रूट ले रहे हैं वो ले रहे हैं थोड़ा सा बाहर बाहर, पेरीफेरल जो हाईवे है उसको लेके हम निकलेंगे,
और उससे बाहर बाहर हम सीधे रोहतक साइड से निकल जाएंगे, रोहतक से फिर सीधे भिवानी और भिवानी से बीकानेर, ये रोड हम ले रहे हैं आज की इस ट्रिप पे। तो पहुंच गए हैं ये हम गढ़ ब्रज घाट, और यहाँ पे सिंगल रोड हो जाएगा फिर से, मैंने आते हुए भी ये दिखाया था वैसे। तो चलो जय हो गंगा मैया जी की, और अब करते हैं अपनी अगली ट्रिप स्टार्ट। तो जयकारा लगा दिया है गंगा मैया जी का, और ये ट्रिप सच में स्पेशल होने वाली है, इसके बाद तो ऐसे ही सब कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल, तो थोड़ी सी स्पेशल है ये, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग होने वाली है। हाँ, और थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट भी है हमें, क्योंकि गुजरात भी हम घूम रहे हैं इस बार। हाँ, एक्साइटमेंट तो है ही है, पर थोड़ा सा ना अंदर से ऐसा भी है कि हाँ, थोड़ा सा डर टाइप का जो रहता है। कोई नहीं, ये तो जब कुछ नया शुरू करते हो, ये हम ना बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके होता ही है, तो थोड़ा सा लगता है जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, पुरानी जगह छोड़ते हो तब भी। इवन हम लोग घर भी शिफ्ट करते हैं ना, तो भी मेरे को नए घर में 3-4 दिन बहुत बुरा लगता है, मतलब बिल्कुल पुराने घर की याद आती है। तो ऑब्वियसली तो नए सिटी में किसी में एकदम जाके एडजस्ट करना थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 महीना लगेगा वहाँ पे समझने में चीजें। हाँ, चीजों को। हाँ, तो वो देखते हैं, वहीं जाके देखेंगे फिर। और तो अभी क्रॉस कर दिए हमने गंगा जी, और अब गंगा जी के दर्शन हो गए, तो होप करते हैं सब अच्छा ही होगा। देखो कुछ भी गलत होगा नहीं, नेगेटिव जितना सोचोगे उतना नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव आप सोचोगे ना उतना पॉजिटिव आपके साथ होगा। मैं नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोच लेता हूँ कि अच्छा ये काम हुआ मेरे साथ गलत, चलो इससे कोई मेरा फायदा होगा। हाँ, क्योंकि उससे कुछ नया सीख ही लिया। हाँ, उससे कुछ नया सीख लिया, तो मतलब आप उसमें भी ढूंढ सकते हो पॉजिटिविटी। मेरे पैसे भी कहीं पे गिरते हैं तो मैं सोचता हूँ हो सकता है ये पैसे मैं बर्बाद करता, कुछ गलत काम में लग जाते मुझसे। हाँ, शायद किसी जरूरतमंद को मिल गए। हाँ, बस ये सोच के मैं पीछे का भूल जाओ, आगे का सोचो बस। कि अब क्या कर रहे हैं। हाँ, उनको सोच के रोना नहीं है पिछली चीजों को। तो अभी क्रॉस हो गया है हमारा प्लखुआ, और अभी हम टोल पे पहुंच चुके हैं, जो प्लखुआ वाला टोल आता है, ये है 125 रुपीज का टोल, और पीछे है 55 का एक गढ़ के पास। तो ये यहाँ पे अब कैश देना पड़ रहा है, टैग में बैलेंस होता तो 250 का टोल सीधा। हाँ, तो यहाँ पे डबल टोल लगा है इनका 250 रुपीज। तो यहाँ से ये जो हाईवे कट जाता है, ये इधर से दादरी पलवर के लिए निकल गए, और आगे से मुझे लेना होगा यू टर्न ऊपर की तरफ। तो यहाँ से अब इस पे चढ़ेंगे, थोड़ा सा ये हाईवे दिखाता हूँ आपको, पहले नहीं दिखाया ये कभी मैंने। और गाजियाबाद पहुँचने वाले हैं बस, मतलब गाजियाबाद वगैरह सब भारी रह जाएगा, हम यहीं से ऊपर चढ़ जाएंगे। और अक्षु थोड़ा सा कह रहा था कि दिल्ली में एंटर नहीं तो नहीं होंगे दोबारा पापा, मुझे दिल्ली में नहीं घुसना अभी, मैं बता दिया कि नहीं हम बार बार निकल जाएंगे। और आगे से फिर हम सीधे चढ़ेंगे ऊपर, जो ये रोहतक की तरफ हम निकलेंगे इससे। तो कितना टोल वगैरह है वो भी बताऊंगा अभी आपको। तो ये एंटर हो गए इस पे जो बाहर की तरफ हाईवे बना, तो पेरिफेरल हाईवे पे अब चढ़ गए हैं, और अब सीधे निकलेंगे यहाँ से। और यहाँ पे फास्टैग था, फास्टैग से ही मेरा मतलब वो हुआ है, पता नहीं, पर ये नहीं पता अभी, पता नहीं कितना हुआ है वो नहीं पता चल, मैसेज आएगा तो पता चलेगा हमें फास्टैग का। और यहाँ से फिर नीचे कूदरोगे तो फिर NH24 चढ़ जाओगे आप, और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 120 है इस हाईवे पे, बना हुआ अच्छा है लेकिन कहीं कहीं पे इस पे गड्ढे मिलते हैं, मतलब सडनली एकदम टूटा हुआ जाएगा, गड्ढा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, तो वो कहीं कहीं पे मिलता है, तो उस चीज का ध्यान रखो यहाँ पे। और ये दुहाई बागपत कुंडली 57 है यहाँ से, तो कुंडली बॉर्डर की तरफ जब पहुंचेंगे वो 57 है यहाँ से। तो यहाँ से ये कट आ गया इधर का मेरठ साइड का, और मुरादनगर वगैरह इधर की तरफ निकल जाओगे आप यहाँ से। हाईवे बड़ा अच्छा बना हुआ है नो डाउट, बस थोड़ा सा क्या है ये कहीं कहीं पे जो पुलिया टाइप है ना वहाँ पे दिक्कत है,
बाकी है ओवरऑल अच्छा बन रहा है और स्पीड लिमिट भी यहाँ पे अच्छी है, कैमरे भी लगे हुए हैं सारे में। ये इस तरह के जो पैच है ना ये थोड़े से हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस होती है गाड़ी, तो इसलिए सजेस्ट करूँगा कि 100 से ऊपर ना जाए, उससे ऊपर फिर कई बार गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है ऐसी जगह पे। आगे टोल प्लाजा है 500 मीटर पे, और कितना टोल है ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे 135-175 समथिंग कुछ लिखा हुआ है। अब ये ना ऐसा नहीं है, लेकिन जो टोल प्लाजा बना हुआ है वो दूर से मतलब अलग सा बना हुआ है, अच्छा सा। तो आप शेप देख सकते हो कैसी लग रही है उसकी शेप, और यहाँ का टोल कितना है वो देखना पड़ेगा मुझे, एक बार ना पता करना पड़ेगा। शायद यहाँ पे पहला टोल है या तो पीछे से जो उतर रहे हैं उनका अलग था, और यहाँ पे ये अलग पड़ेगा बिल्कुल। ये अभी शायद बंद है शुरू ही नहीं हुआ। हाँ तो ये टोल बना तो है पर अभी बंद है, अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे लग रहा था कि ये स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम पहुंच गए हैं ये रोहतक वाले कट पर, 1 किलोमीटर। हाँ तो अब यहाँ से सीधे आप जाओगे तो बादली मानेसर इधर की साइड निकल जाओगे आगे, और यहाँ से अगर लेफ्ट होंगे तो हम रोहतक की तरफ कट जाएंगे। तो ये बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत इजी है मतलब हर जगह कि किधर जाना है, किधर से किधर जाना है। तो ये वाला कट है रोहतक की साइड, आगे से थोड़ा सा कितना है 500 मीटर से दिखा रहा है, तो 500 मीटर से लेफ्ट लेना है हमें, राइट हाँ घूम के राइट हो जाएगा। और ये ऊपर वाला हाईवे भी कहीं से जा रहा है, पता नहीं ये कहाँ से जा रहा है, यहीं से हाँ। और अब यहाँ हमें देना होगा साइड टोल, क्या टोल है वो देखते हैं अब चल के, यही ये दिखा रहा है सीधा। ओके तो मोनिका बताती जा रही है। ओके टोल पे तो यहाँ पे बंद है, और टोल यहाँ पे भी फ्री है, यहाँ का टोल भी अभी नहीं लगा है, अब देखेंगे शायद टोल हमारे आज हरियाणा में नहीं लगेंगे, क्योंकि जो टोल है यहाँ के शायद बंद है अभी सारे। एक तरह से फायदा भी है, और नीचे से हम रोहतक को जाएंगे, बहादुरगढ़ यहाँ से राइट साइड है, लेफ्ट साइड रोहतक के लिए हो गए। ये घूम के शायद हम उधर ही चढ़ेंगे ऊपर ही, हाँ तो घूम के हम ये ऊपर हाईवे पे चढ़ जाएंगे जो सामने दिख रहा था पहले। तो ये टोल भी फ्री है, ये है रोहतक से पहला, तो कुछ फायदा भी हो गया हमारा, ये सारे टोल मतलब बच रहे हैं इस बार जाने के। और अभी रोहतक बचा है यहाँ से लगभग 20 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से रोहतक का, रोहतक के बाईपास से ही हम निकल जाएंगे, तो भारी बाहर वहाँ से भिवानी की तरफ घूम जाता है रास्ता। तो ये अभी हम बाईपास की तरफ मुड़ गए, मतलब सिटी रह गया पूरा राइट साइड में इधर, और थोड़ा अंदर जाके हैं यहाँ से करीब 10 किलोमीटर अंदर है सिटी अभी, और हम यहीं से निकल गए हैं ये सीधे अपना जो भिवानी की साइड। तो रोड तो अच्छा लग रहा है, ये भी बना हुआ एकदम। और अभी एक भाई हैं प्रीत सिंह, तो मिलने भी आ रहे हैं, आगे कोई जगह बताई है उन्होंने, गांव का नाम है कुछ, तो वहीं पे मिलेंगे। और मैं 41 इधर से हिसार भी निकल सकते हैं, ये बाईपास ही रोड है आई थिंक इसका ना, अभी इससे और हमें कहीं से कटना होगा। हाँ ये अभी बाईपास, हाँ ये रोहतक बाईपास चल रहा है अभी। तो ये अभी हम मुड़ गए हैं भिवानी रोड पर, और भिवानी बचा है 37 किलोमीटर बस। तो ये ऊपर जो था बाईपास था, ये सीधा आगे हिसार की तरफ निकल जाता है, हिसार हो गया भिवानी, यहाँ से 40 लोहारू 100 है, तो ये इधर से ही हम होते हुए निकलेंगे सीधे। और बीकानेर कितना है अभी टोटल? 360 किलोमीटर बीकानेर है, और 12 बजे हैं पूरे बिल्कुल, तो आराम से हम पहुँच जाएंगे आज
और जाके अपना देखेंगे स्टे वगैरह का क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो वहीं जाके पता चलेगा। रोड अच्छा है ये भी बना हुआ, देखो फोर लेन है बट सही लग रहा है, एकदम ठीक बना हुआ है। तो चलो पहले अभी प्रीत भाई जी से मिल लेते हैं, उनको आ गए होंगे शायद वो। तो ये हम पहुंच गए हैं कलानौर, और कलानौर में ही वो मिलने आए हैं भाई साहब। तो अभी बस उनको देखना है, राइट हैंड पे बता रहे थे वो कहीं पे कोई रेस्टोर है वहाँ पे, थोड़ा कस्बा टाइप है ये, थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला हल्का सा, और यहाँ पे थोड़ा मतलब हाईवे कंजेस्टेड हो जाता है, आराम से निकालना कभी आओ तो। तो ये पहले हरियाणा के हैं जिनसे हम मीटअप कर रहे हैं। तो अभी बैठे हुए हैं अवतार रेस्टोरेंट पे और प्रीत भाई जी आ गए मिलने। तो ये पास में ही इनका गांव है, चिमनी गांव है ना, चिमनी, हाँ, तो वहाँ पे रहते हैं। बाकी अभी बातें होते चल रही हैं इनके साथ में, और आप बताओ कुछ भाई। सबसे पहले तो राम राम, और ये पहले हरियाणवी है जिनके साथ हमारा मीटअप हो रहा है फेस टू फेस यूट्यूब के थ्रू, वैसे तो होता रहता है। ठीक बात है, बिल्कुल। तो भाई राम राम सब ने जो वॉइस वीडियो को देखेंगे, और मैं तो भाई अपने हरियाणा वाले भाइयों ने कह सकूँ ये बात, क्योंकि ना तो हिंदी बोलनी आती, मैं बिल्कुल देसी आदमी हूँ। हाँ, तो बिहारी भाई भी जिस तरह आप लोकल आदमी है इसी तरह लोकल एक डाउन टू अर्थ आदमी, बिल्कुल बिल्कुल जमीन से उठा हुआ है। हाँ। आपने जैसे यूट्यूब रोल भी देखे होंगे। हाँ। कुछ होगा तो बैकग्राउंड इतना अच्छा है, मैंने तो न की है, पर जो हरी भाई जो उठ के आ रहे ना बिल्कुल एकदम सिंपल उससे। और एक मेन बात ये है भाई कि जैसे इसके जो आप वीडियो देखोगे, आप चाहे एंड टीवी में देखो, ऐसा है अपनी बहन माँ के साथ देख सकते हो। हाँ जी। ये नहीं भाई उसमें फूटता है या कुछ, मतलब वो गलत कुछ नहीं है, आप पूरी फैमिली के साथ बढ़िया एंजॉय करो। और रही बात घूमना, सिर्फ घूमना नहीं रह गया है इससे, मतलब जैसे बच्चे हैं अभी क्या, यहाँ तक कि न्यूज चैनल भी नहीं देख सकते परिवार के साथ, तो उसमें फूटता है। तो भाई के चैनल को सपोर्ट करो और इसको मतलब इंजॉय करो, बिल्कुल। और बस और तो क्या कहूँ, ये है भाई घूमने से कुछ ना कुछ अभी इतिहास की बात भी आपको बताते हैं भाई, फैमिली कई बार जा नहीं पाती कहीं, तो ये आपको उसकी पूरी नॉलेज दे देते हैं। बाकी अपना पूरा यही ट्राई रहेगा कि किसी का कभी कोई भरोसा ना तोड़े। हाँ। बस जो जैसे मतलब हम चल रहे हैं उसी तरह से चलते रहेंगे, और मतलब हर एक की रेस्पेक्ट करके चलेंगे, कभी ये नहीं है कि किसी को ऊंचा या नीचा दिखा के हम चले भाई। बिल्कुल सिंपल था, ऋषि भाई से एक बार संपर्क किया और मिलने को तैयार हो गए। हाँ जी, तो यही किसी में नहीं होता, ये बस यही है अपना। ऐसा कोई हम बड़े आदमी तो है नहीं, देखो मैं भी अपना जमीन से उठे हुए हैं, वही है अपने गांव के रहने वाले, तो गांव के लोगों से मिलते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है मुझे सच में। ये मतलब इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और बाकी पीछे जितने लोगों से भी हम मिले हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आता है सच में। तो भाई राम राम और भाई ने सपोर्ट करो, थैंक यू। सो गाइस, पाजी से मिल लिए हैं अभी। हाँ। और उनका गांव था चिमनी जैसा उन्होंने बताया, और बहुत अच्छा लगा सच में मिलके उनसे। तो अभी हम आगे निकल रहे हैं, और भिवानी यहाँ से बचा है बस 20 किलोमीटर के आसपास। तो ये आगे जाके अभी भिवानी और एक भाई मिलेंगे, तो उनसे मिलेंगे, उनकी गाड़ी का रिव्यू भी करना है, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए सोचा हूँ इस वीडियो को अभी यहीं पे बंद करते हैं, यहीं तक रखते हैं बस भिवानी तक ही, और भिवानी के बाद क्या है हम आगे का दूसरा वीडियो बनाएंगे, सो दैट सारी चीज़ें अच्छे से दिखा सकें, क्यों मोनिका? हाँ। और अगर एक वीडियो करते हैं तो उसमें बहुत लंबा हो जाता है रास्ता, मतलब कुछ चीज़ें हमें काटनी पड़ती है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हम कई बार ना देख नहीं पाते, क्योंकि छोटी वीडियो होती है तो वो देख लेते हैं, और जो बड़ी वीडियो होती है तो बड़ी वीडियो में क्या होता है उसका टाइम ज़्यादा लगता है, तो उन्हें वो उतना टाइम कई बार फुर्सत नहीं मिल पाती, तो उन्हें स्किप करके आधी चीज़ें छूट जाती हैं उनकी, वो देखना पड़ता है, उस तरह से हो जाता है। तो इस वीडियो को मैं सोचा हूँ यहीं पे बंद कर देता हूँ, और इस ट्रिप पे हम बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाले, बस पेट्रोल का खर्चा हम करेंगे, और स्टे में हम बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, हम गाड़ी में स्टे करेंगे, तो आज का जो स्टे होगा हमारा वो गाड़ी के अंदर ही होगा, और बीकानेर जाके, या फिर कोई अगर स्टे हमें स्पॉन्सर वहाँ पे मिलेगा, लाइक कोई होटल का हम रिव्यू कर रहे हैं। हाँ। और वो अगर हमें वहाँ पे अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है आप हमारे होटल का रिव्यू करो और हम आपको स्टे देंगे, तो उस तरह से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ। भी
क्योंकि इस्टे में मैं ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता, बजट ही हाँ, तो अपना बजट बना के चलना है, कम रखना है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो इसी का बीकानेर वाली का पार्ट 2 आएगा उसमें। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।